विश्व में जहां एक ओर बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए हेल्प एज इंडिया के युवाओं ने सोलन में बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस का आयोजन किया, ताकि युवा जागरूक हों और वे बुजुर्गों को समझें और उनके साथ होने वाले शारीरिक, पारिवारिक, भावनात्मक व आर्थिक शोषण को समाप्त कर सकें। कार्यक्रम में एडीएम सोलन विवेक चंदेल बता और मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने भी युवाओं को बुजुर्गों का सम्मान करने के प्रति प्रेरित किया। इस मौके पर उपस्थित युवाओं ने बुजुर्गों को पुष्प भेंट किया और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया। हेल्पेज इंडिया के अधिकारी मनोज राज वर्मा ने बताया कि भारत में करीब 25% बुजुर्गों से दुर्व्यवहार हो रहा है, इसलिए उनकी संस्था ने ये दिवस मनाया है और युवाओं को जागरूक करने का प्रयास किया है, ताकि बुजुर्गों और नई पीढ़ी के बीच के गैप को खत्म किया जा सके। उन्होंने खुलासा किया कि व्हाट्सएप और फेसबुक में युवा उलझे रहते हैं और इसीलिए वे बुजुर्गों को समय नहीं दे पाते हैं। यही कारण है कि इनके बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। हमने एक कोशिश की है जिसमें हम अपने यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन का गैप जो बीच में बढ़ता जा रहा है उसे हम खत्म कर सकें। इस उपलक्ष्य पर हमने अपना नेशनल रिपोर्ट जो एल्डर अब्यूज इन इंडिया 2018 रिलीज़ की है। आज की युग में अगर हम देखें तो हमारे सीनियर सिटीज़न जो हमारे पास डाटा निकल के आता है वो है कि 25% लोग आज भी लोग हमें अब्यूज़ कर रहे हैं, हमारे बुज़ुर्गों को अब्यूज़ किया जा रहा है। तो इस अब्यूज से बचने के लिए, इस अब्यूज से लड़ने के लिए हमें ये दिवस मनाना पड़ा, ताकि हम आसपास के लोगों को जागरूक कर सकें, उन सबको बता सकें कि इस दिवस की क्या इम्पोर्टेंस है। सोशल मीडिया का भी इसमें काफ़ी हाथ है कि जैसे हम फेसबुक, व्हाट्सएप इन सब पे लगे तो हुए हैं, पर इसके चलते हम अपने प्रियजनों को, इन सबको जो महत्व हमें देना चाहिए, जो बात हमें करनी चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे हैं।